क्योंकि कुछ भी हो। हाँ देखो भाई कैसे बची, धूप इतनी ज्यादा है। सही ईमानदार अभी भी है, टेम्पो से उतरे और इसने दिए टेम्पो वाले को। यहाँ से लोग नहीं 50-50 रुपए के कपड़े लेके, 50 रुपए का कपड़ा। हमारी बहन के सर में ना सर दर्द हो रहा है, दिखाएगा तो आराम आए आपको बहुत ज्यादा सच में। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय बाली महाराज। और कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज नेक्स्ट डे मेरा देहरादून में, कल मेरे फ्रेंड की एंगेजमेंट थी और आज हम कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि इतनी दूर आई हूँ तो घूमना तो बनता है, लेकिन कहाँ जाएंगे घूमने ये भी नहीं बताया, तो देखते हैं बस कहाँ जाएंगे। हमको घूमने जाना है और इसको देख लीजिए लड़की को, एक घंटा हो गया है, ये लेट कराएगी, हम लोग को निकलना भी है आज। देख रहे उसकी नौटंकी, कह तू आ जा रही तो हो गई है। तुम तैयार? देखो यार, तुम्हें कितने एक घंटे पहले मैंने दिखाया था ना, तब से अब तक तैयार नहीं है ना, फोन चलाने लगी। इसकी पता है जींस, इसकी जींस कभी जींस को दूसरी पहन ली, कभी कोई सी पहन ली, पहनी कहाँ जा रही, कहाँ जाके कहाँ सज के जाएगी इतना। या मेरी टी शर्ट देख लो तुम, नहीं है बिल्कुल नो ड्रामा, ड्रामा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ड्रामा कर रही तू, दिखा रही मेरे सब्सक्राइबर देखेंगे। चल रही क्या उसको? अब पता है हम घूमने जा रहे हैं, मतलब घूमने के लिए आते हैं यार, बाहर खाते हैं ना खाना, ये यहीं पर खिला रही, कह रही खा ले खाना, आधी रोटी खाई। तू क्या, मैं खाना खाने है? तुम अच्छे से खिलाना मुझे, चलो चल रहे जल्दी चल रहे। बुद्ध टेम्पल पहुंच चुके हैं, दिखा देते हैं व्यू, दिखा। अरे बाहर का, बाहर हम बातें करते करते आए ना, हमको पता ही नहीं चला, मैं दिखा देती हूँ आपको कि कहाँ पर है। ये देखो और ये है, अब यहाँ अंदर जाके कुछ और भी होगा ना इसमें, हम चलते हैं दिखाते हैं यार। बाहर से एंट्री का, ऐसे एंट्री में कुछ था भी नहीं, ऐसे है ये ना, यहाँ पर ना इसको ऐसे घुमाते हैं, उससे क्या होता है इच्छा पूरी, इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसका ऐसा मानना है। पागल, मैं आऊँगी ना तो मेरी बनाइयो ना फिर अलग से, मानना मैं मानती नहीं ऐसा कुछ इसके, या फिर होता होगा मतलब मुझे पता नहीं ना। हम बुद्ध टेम्पल में पहली बार आए हैं, तो बुद्ध वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमको क्या पता कि क्या क्या यहाँ पर मानना है, पर लेकिन फिर मैं कर लेती हूँ पूरा, क्योंकि कुछ भी हो करना चाहिए, ठीक है। तो अभी दिखाती हूँ आपको, मैंने इच्छा पूरी जाएगी मेरी, जरूर होगी, अगर तेरी इच्छा पूरी होने लायक हुई तो जरूर पूरी होगी, अगर नहीं हुई तो नहीं। यार इतनी धूप में लेके आई ना, सर में दर्द हो गया, मैंने सोचा कोई अच्छी जगह होगी, मेरे को लगा कि ना बड़ी होगी, मतलब अंदर जाके ना, मतलब अंदर जाके कुछ होगा अच्छा सा ना, ये तो बाहर ही है, खुला हुआ है पूरा, खुला हुआ है यार इतनी धूप में, ये देखो तुम ऐसे ना, ऐसे 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 पूरा खुला हुआ है। अभी हम फोटो खींचेंगे थोड़ी, वीडियो बनाते हुए इससे ये भी नहीं घुमाया जा रहा, क्या होगा इसका, ये देखो मर गया। क्या बोले, जोर से बोल, बात नहीं आएगी इससे, ये भी नहीं घुमाया जा रहा, क्या होगा इसका, कुछ हो पाएगा इसका कभी जिंदगी में? यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप थी, हम बस कुछ नहीं, हम बस बैठे थे छाया में। हाँ देखो भाई कैसे बची, धूप इतनी ज़्यादा है, अब हम जा रहे हैं, मतलब भूख, अब हम जाएंगे और कुछ खाएंगे। इसकी हालत देखो, ये मुझे घुमाने के लिए लेके आई थी, मेरी हालत तो फिर भी सही है इसकी, देखो अब यहाँ से एग्जिट हो गए, हम कुछ खाएंगे पहले। कल हमने मंगाया, क्यों मत करिए, क्या पूछ पाएगी, अगर ऐसे काम ऐसे क्या काम किया था, बस रही ईमानदार अभी भी है, अभी हम टेम्पो से उतरे और इसने दिए टेम्पो वाले को 40 रुपये, अगर पड़े 50 दिए इसने, उन्होंने कहा कि वो 10 रुपये फालतू दे दिया, तो ईमानदार लोग भी जिंदा है, पर लेकिन गंवार लोग भी जिंदा है जिसकी तरह। अभी हम यार मार्केट में आ चुके हैं, थक चुके हैं, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, वहाँ पर जाके हमने कुछ नहीं करा, टेम्पल में जाके ना हम पर बैठे थे वहाँ पर छाया में, बातें करिए बस, बात जब से मिले से बात ही कर रहे हैं। रेस्ट दिखा यार, घंटा करके रेस्ट, ऐसे कैसे दिखा रही,
मार्केट आ चुके हैं हम, वहाँ पे बैठे हम सोचे कि धूप भाग जाएगी ना तो हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन भाई साहब धूप को कब तक इंतजार करते हैं, क्योंकि 9 बजे यहाँ मार्केट बंद हो जाती है। हमारे यहाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, दिल नहीं है, 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है, बताओ। तो फिर अभी हम आ गए हैं मस्ती करके धूप में ही, कुछ खा पी करके मार्केट, और यहाँ से देखते हैं कैसे देखेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो आज भीड़ रखी है, ये ऐसा बोल रही है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ का भाई साहब। मार्केट तो सस्ती बता रही यार, फिर यहाँ से लोग नहीं 50-50 रुपए के कपड़े लेके, 50 रुपए का कपड़ा, 50। मैं अभी इसमें ऑनलाइन में नहीं बोल, नहीं बोलना है ब्लॉग में, कोई बात नहीं, ब्लॉग वाले ब्लॉग में नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ब्लॉग में कुछ बोल देता वो बंदा मेरे को बहुत मारेगा पकड़ के, क्या है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं तो पता है, मतलब हम महंगे भी खरीदते हैं, सस्ते भी खरीदते हैं, मीडियम बीच के भी खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम खरीदते हम सब है, पर जो जिस बंदे का मैं नाम लूंगी वो मेरे को पक्का मारेगा। कौन कौन नहीं बोल सकते, मतलब क्या नहीं बोल, अच्छा मतलब कौन लेके गया, अच्छा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सूटे कपड़े जो तू 1500 रुपये मीटर लेके कौन से अभी देख रहे बेटा, आज यहाँ कुछ हुआ है बेटा, सारी गलियाँ साफ पड़ना, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, मुझे लगा यहाँ पे आरटीओ वाला रखे आज। सही तो है, मैं आई हूँ अबे, कुछ नहीं हो रखा, मैं आई हूँ आज यहाँ, इसलिए खाली हो गया, मैं देख पूरा हो गया, कितना गंदा लाना खाली। हाँ तो मुस्कान भाई शाम लाल लेगी पूरी रोड खाली कर दी जाए, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मुझे अब शिकंजी भी है पीछे, अच्छा मैं कितना हो रहा है टाइम हो रहा है आपको 4:10 होने के ऊपर, कितनी बड़ी घड़ी है, घड़ी गई, अरे यार हम घंटा घर में आया ना तो टाइम 4:10 हो रहा है। अभी हम शिकंजी पिएंगे, देखो पीछे बन रही है शिकंजी, कुछ पसंद आया है एक कुर्ती थोड़ा फ्रॉक वाले में, फाइनली कुछ पागल है, कलर कैसा लग रहा है उसका, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है मेरे को, लाइट वाला ना, ये देख सकती हूँ, ये ले दूंगी इसको, बस हम खाए पिए जा रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हम, पर भी हमने सामान ले लिया है, कुछ क्या लिया है वो हम घर जाके दिखाएंगे। गिरती वो तेरे हाथ से, नहीं नहीं मास्क नहीं खा ले, ये भी ढूंढ, और हम स्मार्ट भी चलते हैं, सामान दे दिया है और इसने दे दिया सामान, और इसने मेरे साथ क्या किया, मेरे मुझे बढ़ाया 400 का और मुझे दिया 300 का, आगे से ऐसी है ये पागल लग रही है। अब हम घर जा रहे हैं, बस क्या समझ जा रहा हूँ लग गया यार, हम जितने मतलब वो है ना कि जल्दी पहुँचे घर से, मेरा दर्द हो गया, थक गए, इतना ही हमारे साथ वो होता है, क्या लाइन साहब जाम लगते हैं तगड़ा, अब खुला है ये देखो, अभी भी खुला नहीं, यहाँ पर था एग्जाम बच्चों का, किस्मत ही खराब है, किस्मत खतरनाक जाम लगी था, खुली स्वाद ना, जाम लगा है सब, शिवानी गाड़ी जान में और मम्मी वगैरह हम घर आ गए हैं, अब चल शिवानी यार है सबड़े जाओ तलावड़े, तुम रात तक मत, इसकी फिर शुरू हो गई तर 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 तर, इसकी गड़बड़ी शुरू हो गई यार, 30 साल गाइड भाई साहब थक गए नींद आ रही है बहुत तेज, सिमरन अभी हमने यहाँ पर ना भजन सुनाया क्या तुम, नहीं और सॉन्ग भी भजन भी सुनाया, सॉन्ग भी सुनाया, वो भी नींद में, अब मेरे को नींद आ रही है, इन सबको देखो हम चाह रहे कि मुस्कान हमें भजन सुनाए, मैंने उनको सुना दिए लेकिन इनके मन नहीं भरा यार, बैठे की तो आप वीडियो में आ रही बात है, अब कुछ अब कोई करके दिखा रहा है मेरे को ब्लॉग में कुछ, ये बताओ ब्लॉग है क्या, हाँ मैंने अपना गा दिया ना, पर मैंने ब्लॉग नहीं बना, मैंने बनाया नहीं गाते हुए, क्योंकि सबको पता है मैं गाती हूँ,
अभी कौन करके दिखा रहा कुछ? अरे भाभी मोशन डांस करती है। डांस किसको क्या टैलेंट है? मामी बहुत मस्त मस्त डांस करती है। चलो भाभी डांस करके दिखाओ आप। थोड़ा सा मेरा पेट बाहर निकल रहा है। तुझ पर तभी तो बदला होगा मामी। थोड़ा दो दिन छोड़ दे। तुम को करके दिखाओ ना। मैं देखो प्रिया प्रिया ने टैलेंट दिखाया अपना। मैंने लगा दिखा दिया टैलेंट दिखा दिया अपना। बताओ जो मैंने लगाई हो। हां ये प्रिया मैंने बताया था वैसे पहले सुन ही रही है। प्रियंका है इसका नाम वैसे पूरा इसको प्रिया बोलते हैं। इसने लगाई थी सुंदर मेहंदी। सुन ही नहीं रही है। मैंने बता रही मैं ये देख क्या बता क्या क्या नीना से दिखा रहे हो करो 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 गाने पे अब सब दिखाएंगे तू भी कर रही मैं वाह भाई शर्मा रही हो वीडियो ब्लॉग यहाँ पे खाना खाना प्रिया सुनो नहीं यार तुम्हारे तुम्हारे व्यूज कम ना हो गए राम आएंगे वाला प्लीज एक बार मैंने कहा है इनको भेज दिया एक बार प्लीज ये करते रहते शिवानी मेरे को लेके नहीं आई। ये तो कितनी आराम है पागल है 9 बजे दूध बोल रही 9 बजे थी मैं 9 बजे 7:30 बजे भगवान को मैं इंतजार करती मुस्कान आई भाई गाना सुना दे भाई अपनी ये मैं लेके चलती ना घर तो मैं आ जाती हूं पागल व्लॉग बना रही है मैं उसमें भी बता दूंगी अभी उसको थोड़ा मान ले वो एक करेगी मुस्कान और करेगी एडिट करेगी वो नहीं करते मैं घर जाऊं चलो ऐसे टहलने चलेंगे टहलने टहलने से नहीं अब तुम जाते नहीं कहता मुझे पागल है के रास्ते में कोई और मेरे बहुत ही हो रहा है सर में दर्द क्योंकि आज धूप में घूम ले हैं तो शायद किसी का कहना है कि लू लग गई है लू ये और किसी का कहना कुछ भी नहीं है लू ए लू गरम मुंह होती है पता नहीं मतलब क्या हो गया तो सुना लिया गाना बहुत ज्यादा बैठी थी मैं तो दीदी दीदी ने मेरी चिंता कर ली और दीदी कह रही है भाई जा तेल लेके आप दीदी ने मेरी परवाह की है दीदी कह रही है कि मैं मालिश करूंगी सिर की तेल तेल पानी की सर से हो जाएगा ओए सुन रही क्या तेरे पानी ले जाके फटा फट फट उसे बर्फ भी डाल दियो तब अच्छा होगा जा जा जल्दी जा दी जा रही है दर्द हो रहा मेरे बहुत तेज मैं खड़ा होने की कोशिश कर रही हूं मान तो नहीं मुझे तो वहां से मेरी कहां है वो अरे तब भी ऐसे खाना फ्रंट में खड़े चले जाऊंगा ऐसे बर्तन धोने मुझे नहीं पता सरसों का तेल ये लगेगा मेरे सर पर ठंडा सा है बिल्कुल ठंडा नहीं है तेल थोड़ा नीचे बैठना पड़ेगा हाँ मैं नीचे बैठ जाऊंगी तुम ऐसे ऊंचे हो गए ना हम तो ही नहीं ऐसे बोलने लग गए हम तो हिंदी आप नॉर्मल हिंदी आते तो है मम्मा नॉर्मल हिंदी आते तो क्या इसको हम ऐसे बोल रहे हैं नहीं नहीं खाने के लिए क्या हम गड़वा लिए हैं हाँ बिहारी लग रहा है मैडम बिहारी तेल लग रहा है यहाँ पे मेरी चमकी हो रही है सीखा था सही करने हमारी बहन के सर में ना सर दर्द हो रहा है हाँ तो मैं नहीं तो हम तो दीदी बोल रहे हैं ना शिवानी की दीदी लगी तो मेरी दीदी लगी ना अच्छा इसलिए दीदी बोल रही है इसलिए तो आपको मेरे मौसी लगी हाँ मेरे मौसी लगी अब मैं फर्स्ट फील लूंगी अपनी इस कांता की मैं सेकंड सी हो जाए प्रिया मार के जब प्रिया जान दे दुकाने का भी दीदी बोलेगा नहीं तो बोल मैं उन दीदी अच्छा एकदम से बोला से
सीधी ना डरो यार खंड ऐसे ना डर दे सीधी का जा वो इंपला तू मिला तू कर रही कब से हम लोग थोड़ा पानी तेल में थोड़ा पानी मिला के ठंडा गोल गोल घुमा गोल गोल घुमाओ वैसे मिला के दवाई खाने से तो बढ़िया है दवाई खाने में खाती है दवाई पर बहुत तेज हो रहा है ना इसलिए मैंने बोला कि दवाई है क्या मतलब मम्मी मेरा भी दवाई खा ले नहीं 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 खाई थी शायद इससे हो जाएगा तेल की मालिश हो गई और विक्स भी लगाई आपने है ना बहुत आराम आया आपको बहुत ज़्यादा सच में बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोई नहीं और उसके बाद लास्ट में कोई नहीं वे कह रहे कि हमारे घर मेहमान आया है ना तो इसलिए हम पूरी खाते थे मतलब अच्छे से वो तो मेरे छोटे बाबू है थैंक यू सो मच बहन भी है लड़की भी है है ना अब सही लग रहा है मेरे को सच में बहुत है अब सही लग रहा है मेरे को अब से कभी होगा ना सर में दर्द ऐसे कर यही करना मतलब तो आप भी नहीं खुलती थी पहले अब सही लग रहा है अब सो जाऊंगी ज्योति